राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इंदिरा प्रदर्शनी स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित महोत्सव का आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। इस दौरान छात्राओं ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को समेटे गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों को पहने छात्राएं आकर्षक का केंद्र रहीं। कॉलेज की सांस्कृतिक प्रभारी डॉक्टर ललिता जोशी ने बताया कि उत्तराखंड महोत्सव के माध्यम से छात्राओं ने पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी प्रस्तुतियां दी हैं। उत्तराखंड के त्यौहार हरेला, गुगुतियां, फूलदेई और नंदा सुनंदा यात्रा को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को देवभूमि की लोक संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिला है। आज ये इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जो हमारा है, ये उत्तराखंड का जो 21वां स्थापना दिवस है उसको उत्तराखंड महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे निर्देश हमें शासन से भी प्राप्त हुए थे, तो 18 तारीख से लेकर 13 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं बच्चों की हमने कराई हैं, जिसमें आज समापन दिवस है, इसलिए आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं और बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें कि सिर्फ उत्तराखंड को ही फोकस में रख के सारे प्रोग्राम हैं। जितने भी नृत्य बच्चों ने प्रस्तुत किए हैं वो सारे उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं। उत्तराखंड में जितने भी त्यौहार हैं, चाहे वो हरेला है, वो घुघुतिया है, या होली है और फूलदेई है, इन सभी को और नंदा सुनंदा यात्रा जो है, इन सभी को एक सूत्र में पिरोकर एक नृत्य प्रस्तुत किया है। और जो बच्चे सोलो डांस भी कर रहे हैं वो भी गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति को झलकाते हुए ही उन्होंने ऐसे प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं। और आज समापन दिवस है और सभी बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सभी को मोटिवेट भी किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना भी कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, स्पेशली आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनको अपने चारों तरफ से कुछ मतलब नहीं होता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमने क्रीड़ा का भी रखा था कल, हमारे यहाँ विभिन्न परंपरागत क्रीड़ा के जो क्रीड़ा दिवस हमने मनाया इसी के अंतर्गत, उसमें हमने बच्चों के गेम करवाए, जैसे चम्मच और कंचा रेस, तीन टांग रेस, बोरा रेस, जो शायद आजकल की जनरेशन के बच्चे कभी नहीं खेलते हैं, लेकिन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, सभी ने बहुत आनंद लिया। और इसके साथ ही हमने उत्तराखंड के व्यंजनों पर एक प्रदर्शनी टाइप लगाई थी, जिसमें इन्हीं बच्चों ने उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं, जैसे कि मडुए की रोटी और सिसौन का साग और भांग की चटनी, आलू के गुटके, जौला, भटिया, ये जो टिपिकल उत्तराखंड की डिशेज़ हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी हैं, वो बच्चों ने बनाए, उसके बारे में बताया। तो एटलीस्ट उतने समय के लिए जो बच्चे कॉलेज में आए उनको पता चला कि ये हमारी संस्कृति है, ये व्यंजन है, नहीं तो घरों में हम बनाते हैं तो बच्चे खाते ही नहीं।